21 अप्रैल को बेंगलुरु में आम आदमी पार्टी की जानिब से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में कर्नाटका राज्य रायता संघ प्रेसिडेंट चंद्रशेखर के अलावा बेंगलुरु फॉर्मर पुलिस कमिश्नर भास्कर राव और गुलबर्गा बीजेपी लीडर सिद्धू पाटिल तेगनूर और कई दीगर लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर पूरे कर्नाटका में आने वाले असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने का भरोसा दिलाया है। इस प्रोग्राम के तफसीलात बताते हुए आम आदमी पार्टी गुलबर्गा सिटी प्रेसिडेंट सज्जाद अली इनामदार ने गुलबर्गा हेडलाइन से बात कर कहा, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अलावा स्टेट के मुख्तलिफ इलाकों से हजारों की तादाद में लोग बेंगलुरु तशरीफ लाए थे। सज्जाद अली इनामदार ने कहा, अब तक कर्नाटका में कांग्रेस और बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन इतने सालों में स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल की हालत क्या है आप सब जानते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से केजरीवाल ने स्कूल हॉस्पिटल बिजली जैसे ज़रूरी चीज़ों पर इस तरह काम किया है जो कि पूरे मुल्क में मिसाल बन गई है। और सज्जाद अली इनामदार ने कहा, आज जो दिल्ली में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेशन और पुलिस डिपार्टमेंट बीजेपी के हाथ में रहने की वजह से हो रहा है। और फॉर्मर पुलिस कमिश्नर भास्कर राव के ताल्लुक से सज्जाद अली इनामदार ने कहा, भास्कर राव जल्द ही डीजीपी बनने वाले थे, वो चाहते तो डीजीपी बन सकते थे, लेकिन आज मुल्क के हालात को देख भास्कर राव जी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर कर्नाटका को बेहतर बनाने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन की है। सज्जाद अली इनामदार ने कहा, अगर कर्नाटका की आवाम अमन और शांति के साथ अच्छे स्कूल हॉस्पिटल और फ्री बिजली लेना चाहती है तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें। तो मैं आवाम से, मेरे बहनों से चंद बातें करना चाहता हूं। आज देखिए दिल्ली के लोग कैसा फैसला लिए, वहां के हमारे माँ बहन किस तरह से फैसला लेकर केजरीवाल जी की सरकार को चुना। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को चुना, आज आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में हमारे बहनों के लिए हर महीना 1000 रुपये पेंशन दे रहे हैं। 18 साल से ज़्यादा आगे उम्र वालों को 18 साल से 70 साल 80 साल 90 जो भी खातून हैं उनको पेंशन दे रहे हैं। यहाँ आप इलेक्शन में सिर्फ 1500 को देखकर जो है ना वोट देते हैं, 5-7 साल तक वो MLA आपके पास आते नहीं। पानी की बड़ी तकलीफ, बच्चों को स्कूल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी महंगी, तो आम आदमी पार्टी को आप अगर सपोर्ट करेंगे कर्नाटका में तो आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो सबसे पहला काम होगा आपके लिए कर्नाटका के हर फैमिली के लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। 300 यूनिट का आज जो बिल आता है 2-2.5 हज़ार रुपये आता है, तो एक साल में कितना हुआ आपको, 25-30 हज़ार रुपये आपको जो बचत हो रहे हैं, 5 साल के 1.5 लाख रुपया हो रहे हैं सिर्फ एक बिजली का बिल। आप कितने ले रहे हैं, 1000 या 500 ले रहे हैं, तो 5 साल का हिसाब डालिए, एक कप आधी कप चाय भी नहीं, आधी कप, एक कप तो नहीं आती, आधी कप 12 या 15 पैसे रोज़ तुम्हारे को जो है ना वो लेके तुम वोट दिए, वोट बेचे दो, सिर्फ डेली के 12 पैसे लेकर आपने वोट बेच रहे हैं, इससे गुरेज करिए। दिल्ली के बच्चों को देखिए, स्कूल के बच्चों को, दिल्ली के स्कूल्स देखिए, आज वहाँ पर कितने खुश हैं, वहाँ के बच्चे कितने खुश हैं, उन वो बच्चों के माँ बाप जो सरकारी स्कूल में बगैर एक नए पैसे के फीस के बगैर आला तालीम हासिल कर रहे हैं। तमाम जो प्राइवेट स्कूल जो लाखों रुपए डोनेशन लेते थे, 1000 रुपये फीस ले देते, वो स्कूल पूरे बंद पड़े हैं। सारे बड़े बड़े करोड़पति अमीरपति के लोग जो है ना अपने बच्चों को केजरीवाल जी के मॉडल स्कूल में, सरकारी स्कूल में दाखिला दिला रहे हैं। फ्री दाखिला, हर चीज़ की सहूलत, स्कूल में स्विमिंग पूल, स्कूल में हर सहूलत मौजूद है। उसके बाद पानी, 20,000 लीटर पानी, फ्री पानी, ये जो मिनरल वाटर है ना, ऐसा पानी दिल्ली में नल में आता है। हमारे यहाँ गुलबर्गा में पेशाब पैखाना, एसिड, केमिकल्स, हर चीज़ मिले हुआ पानी आता है।
लेकिन यहाँ किस एमएलए को, नॉर्थ एमएलए हो या साउथ एमएलए हो, पब्लिक को, पब्लिक का एक नए पैसे का एहसास नहीं है। पब्लिक आज इतनी परेशान है पानी के लिए, मारा मारी हमारे बहनें इतनी धूप में रोजे में दूर दूर से जाके पानी ला रहे हैं, वो भी सड़का पानी, गंदा पानी। ये हालत है, ये क्यों? सिर्फ आप 500 रुपये लेके, 1000 रुपये लेके वोट देने की वजह से आप परेशान हैं। बंद करो पैसे लेके वोट देना, आज अहद करो। मैं आपका भाई सज्जाद अली आपसे विनंती करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ, बंद करो 500 रुपये 1000 रुपये लेके वोट देना, फिर देखिए आपके मुस्तकबिल कैसा होता है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल कैसा होता है। पानी फ्री, बिजली फ्री, हॉस्पिटल की बात देखिए, अगर किसी के घर में एक छोटी सी भी बीमारी होती है, बुखार होती है, दवा खाने को जाते हैं, डॉक्टर 200 रुपये फीस लेते हैं, 500 की दवा लिखते हैं, तो मामूली सी बीमारी को 1000 रुपये आते हैं। दिल्ली में हर जगह सरकारी यानी मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक 24 घंटे डॉक्टर रहते हैं। जब भी आप जाइए, कोई डॉक्टर आपको चिट्ठी नहीं लिखेगा मेडिसिन की, अगर चिट्ठी लिखता है तो वो डॉक्टर को सस्पेंड करते हैं। 10 लाख तक, 10-15 लाख तक, 20 लाख तक अगर बिल होता है तो भी पूरा फ्री है। क्या आप 500 रुपये लेने से ये फ्री मिलेगा? ये सरकार देगी बम्बई की? हाँ, क्या पिछली सरकार कांग्रेस की दी है? 40 साल हुकूमत करे दी है क्या कांग्रेस? सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी अपनारे को मुसलमानों को, हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ा कर, इत्तेहाद तोड़ कर, हर मसला गिनकर जो है ना हमको डिवाइड करके वोट ले रहे हैं। मुसलमान को हमेशा खौफ ज़दा कर रहे हैं गुलबर्गा में या कर्नाटका में या हिंदुस्तान में, अरे देखो बीजेपी है ऐसी खतरनाक। आज दिल्ली में बीजेपी की झाड़ू मारे गई, पंजाब में झाड़ू मारे गए, आज वहाँ पंजाब और दिल्ली में कोई हिंदू मुसलमान बोलता ही नहीं, सिर्फ डेवलपमेंट बोलता है, सिर्फ डेवलपमेंट बोलता है। अभी दिल्ली के कुछ मैं आवाम को बताना चाहता हूँ, दिल्ली की कॉरपोरेशन और दिल्ली की पुलिस अगर केजरीवाल के हाथ में होती तो कोई वहाँ जो आजकल जो चल रहा है हम सुन रहे हैं वो बात नहीं होती। अमित शाह थाने में हैं, वो बीजेपी वाले सिर्फ मुसलमानों का सारे हिंदुस्तान में पीछा ले रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। मुसलमानों सुनिए मेरी बात को, उलमा इकराम से मेरी गुजारिश है, अदबन गुजारिश है, आप सुनिए। दिल्ली के आईएमए को 18,000 रुपये सैलरी देते हैं केजरीवाल की सरकार, हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं देते, कर्नाटका में 3,000-3,500 देते। अगर हमारी सरकार आई कर्नाटका में तो दिल्ली का मॉडल 18,000 रुपये मोहसिन आईएमए और 15,000 रुपये मोहसिनीन को हदिया मिलेगा। आप सोचिए, बहुत सोचिए, दिल्ली का मॉडल देखिए, पंजाब का मॉडल देखिए, वो मॉडल गुलबर्गा में होना है तो आज हमारे साथ रईत संघ वाले हैं, कूड़ीहल्ली श्री चंद्रशेखर साहब जो है ना आम आदमी पार्टी में इसलिए ज्वाइन हुए कि किसानों को भी जो दिल्ली में एक जैसा हर चीज़ फ्री मिलती है, खाद फ्री, बीज फ्री, फर्टिलाइज़र फ्री, और जो है ना उनको उनके जो अनाज बिकता है उसको जो है ना अच्छे रेट, ये हर चीज़ की सहूलत किसानों को मिलती बोल के बीजेपी नहीं दे सकती? इतना बड़े लीडर है उन्होंने, सालों से उन्होंने एहतजाज करते आए, होराट करते आए, आज उन्होंने ये महसूस कर दिए कि अगर हिंदुस्तान में कोई लीडर है किसानों का मसला हल करने वाला, किसानों की मदद करने वाला, वो सिर्फ केजरीवाल जी है बोल के उनको पूरा कॉन्फिडेंस में आने के बाद उन्होंने 21 तारीख को श्री पृथ्वी रेड्डी जी स्टेट प्रेसिडेंट, केजरीवाल जी नेशनल कन्वीनर, शर्मा जी और हमारे देखिए एक पुलिस कमिश्नर विजय भास्कर राव साहब IPS ADGP, वो DGP बन सकते थे कर्नाटका के, कर्नाटक पर हुकूमत कर सकते थे एडमिनिस्ट्रेटर बनकर, उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया।
आम आदमी ज्वाइन की, क्योंकि उन्होंने सर्विस में रहते हुए पुलिस कमिश्नर, एसपी, कमिश्नर, एडीजीपी, डीआईजी, आईजी तमाम अहदों पर रहते हुए जो है ना, ये सरकारें कितनी बदनवान हैं उन्होंने उसका एहसास लिया है। वो एहसास लेकर आज किसी भी हाल में केजरीवाल का साथ देंगे, कर्नाटका में केजरीवाल की सरकार बनाएंगे। इस उम्मीद से भास्कर राव आईपीएस साहब ने अपनी नौकरी छोड़कर, लाखों रुपए तनख्वाह छोड़कर जो है ना आज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। क्यों, क्या जरूरत थी उनको? बंगला था, एयर कंडीशन गाड़ी थी, एयर कंडीशन ऑफिस थी, वो सब छोड़ के आज जो है ना सड़क पे इधर से उधर, उधर से इधर जो है ना आवाम के बीच वो चक्कर लगा रहे हैं। किसके लिए? मेरे भारत कर्नाटका की माएँ, कर्नाटका की बहनें, कर्नाटक के गरीब परेशानी, उनके परेशानी को दूर करने के लिए श्री भास्कर राव ने जो है ना वो कदम उठाया। हम भास्कर राव साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमारे पार्टी में आके, आम आदमी पार्टी में आके, पार्टी पर एक जो है ना एहसान किया है। अल्लाह ताला जो है ना उस एहसान का बदला आपको ज़रूर देगा और आपको कामयाबी देगी, ये हमारी दुआ है।